हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स, नागपुर। तो देखते हैं जी, महाराष्ट्र का एक अजीम शहर नागपुर, जिसे सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी कहा जाता है, कैसा है डबल डेकर। और ये एशिया की पहली डबल डेकर थी, 2-3 मंजिला ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल भी। राम झूला, क्या ज़बरदस्त ब्रिज है, नाम बड़ा ज़बरदस्त है झूला। ये लॉ स्कूल, क्या बात है, ये तो भाई वाइट है, उसको भी काट गया है, इतना ज़बरदस्त है। विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, शानदार लग रहा है ये, इतनी बड़ी इमारत। सेंट्रल मॉल नागपुर का, महाराष्ट्र में बड़ी रौनक देखने को मिलती है, इससे पहले पुणे देखा था और मुंबई तो कई एक बार देख चुके हैं। ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है ट्रांसपोर्टेशन का। नितिन गडकरी भी इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ही इसका इफ्तिताह किया था कुछ अरसा पहले। HCL, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या बात है नागपुर की। वैसे नागपुर से, नाग से स्नेक भी मुराद है, लेकिन इस नाग से रिवर लिया जाता है जो इसके पास बहता है। महाराष्ट्र का क्या, ये तो एक इंडिया का भी ज़बरदस्त शहर लग रहा है। इंडिया में लिविंग स्टाइल काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है महाराष्ट्र के कई एक शहरों में। देशक भूमि, लॉर्ड बुद्धा, WHC रोड, नागपुर। मरहटा कल्चर, सनातन कल्चर नज़र आ रहे हैं। ये कोई सरकारी इमारत है, रियासती असम्बली तो नहीं है। माई दिल माई नागपुर, अच्छा, ऑल्सो नोन ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ के फिर ऑरेंजेस बड़े मज़े के होते होंगे। अच्छा, इंडिया का सबसे सरसब्जो शादाब शहर भी है, ये बात फर्स्ट टाइम सुनी है, ज़बरदस्त। रोड नेटवर्क भी बहुत ज़बरदस्त है, पूरे इंडिया से कनेक्ट है। ये चर्च, बद्दा, ताज बाग दरगाह, विधन भवन, अच्छा ये रियासती असम्बली है भवन, RBI स्क्वायर। यार ये बात बहुत अच्छी लगी कि इंडिया का सबसे ग्रीन शहर है। ये क्रिकेट की सुविधाएं भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, अच्छा शहर है, लेक भी है, क्या बात है। ये सब चीज़ें मिला के नागपुर को एक अजीम शहर बनाती हैं, एक ज़बरदस्त शहर बनाती हैं। ये रामचूला ज़बरदस्त है। महाराष्ट्र का तीसरा बड़ा शहर और इंडिया के बड़े शहरों में शुमार किए जाने वाला एक शहर देखा, नागपुर। वैसे इससे पहले मैं समझता था कि शायद नागपुर में कोई बड़े बड़े नाग रहते होंगे, या कोई नाग यानी स्नेक से लेकर कोई ऐसा वाक्या हुआ होगा जिसकी वजह से इस शहर का नाम नागपुर पड़ गया। लेकिन गूगल ने मेरे जज्बात को उस वक्त बिल्कुल बदल के रख दिया जब मुझे पता चला कि नागपुर शहर का नाम नाग रिवर की वजह से है। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त शहर है, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और यहाँ के जो मज़े के ऑरेंजेस हैं वो पूरे इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वैसे ऑरेंजेस से याद है कि पाकिस्तान का शहर सरगोधा भी अपने ऑरेंज को लेकर दुनिया भर में फेमस है। खैर, मैं यकीन से कह सकता हूँ जितना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट और जितना ज़बरदस्त शहर नागपुर है, तो उसके ऑरेंजेस भी यकीनी तौर पर इसी तरह ही शानदार होंगे। और लेकिन ये बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि नागपुर इंडिया का सबसे ग्रीन शहर है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो नागपुर में मेट्रो की सुविधाएँ भी हैं, और इंडिया के रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके शहर में एक ऐसा अजूबा बना है पिछले दिनों, जो जापान के बाद एशिया का पहला डबल डेकर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन गया, जिसमें अंडरपास भी है, उसके ऊपर मेट्रो भी चलती है और उसमें रोड भी है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और ये बड़ा एक नया और मुनफरद रिकॉर्ड था भारत के लिए। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें, धन्यवाद। नागपुर महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल भी है, और इसके अलावा ये भारत की फाइनेंशियल राजधानी मुंबई से तकरीबन 830 किलोमीटर के आसपास के फासले पर मौजूद है। वैसे तो ये मुंबई से अच्छा खासा दूर है अगर आप इसको पुणे से कंपेयर करते हैं, और ये दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रियासतों के आसपास भी जा पड़ता है। नागपुर शानदार सड़कों और रेल नेटवर्क के जरिए पूरे मुल्क के साथ बड़ा वेल कनेक्टेड है, और एक सड़क बन रही है
मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो बाकी कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त शहर, और महाराष्ट्र का कोई भी शहर देखो वो लिविंग स्टाइल को लेके आप एक यूनिक और एक ज़बरदस्त एहसास पैदा कर देता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग एक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।